डॉग है उसको पिक ट्रैप फंसा है पैर में, वो उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं। एक बंदा यहाँ पे खड़े होगा और एक बीच में ले। अरे रुक जा रुक जा, उधर से आ रहे नेट को भैया। आया आया आपके साथ ऊपर। आ गया आ भैया नीचे आई। ये लोगों ने लगाया था बंदरों के लिए, कहीं पर लगा दिया था खेतों में, तो फंस गई है जाके। तो लोगों ने देखा तो बात ऐसी थी, पकड़ नहीं सकते थे क्योंकि पता नहीं काट ले जानवर है काट ले। ये बैठी पेड़ के साथ आई किसको आगे जा आगे। फुट वाला हिस्सा सारा ठंडा पड़ा हुआ है, तो मोस्टली ये गैंग्रीन की फॉर्मेशन ही होगी यहाँ पे। ये तो अच्छा है कि समय रहते हमें बुला लिया गया, डॉग हमारी पकड़ में भी आ गया, नहीं तो देर हो जाने पे इसका पैर काटना पड़ता। इसके बाद बारी थी टाइगर के इलाज की। टाइगर एक डॉग है जो हमारे यहाँ से एक बारी पहले भी ठीक हो गया जा चुका है, लेकिन फिर से डॉग फाइट में उसकी पीठ पे चोट लग गई और हमारी उम्मीद ये थी कि हम उसको सड़क पे ही ट्रीट कर लेंगे। किसी कुत्ते ने खाया हुआ ना उसको, बैक साइड उसको होल सा पड़ गया वो। ये बंदरों से सूरों से मतलब जहाँ भी इसको कोई दिखाई देती है चीज भाग जाता है पीछे, चाहे मर जाना लेकिन गिर जाता उनसे। वो बैठा है फ्रेंडली नहीं है ना, हाथ में नहीं आता, वैसे खाना हमारे यहाँ पास खाता है, ले हाथ में नहीं आता हमारे, बस खाना खा के फिर निकल जाना इसने। कहाँ गया? दिया बनाए अंदर बढ़िया। ज्योति लाने वाला कैसे है? रास्ता नहीं था। ठीक है हम लेके आएंगे इसको। हाँ हाँ ठीक है। अब टाइगर सिर्फ नाम का ही टाइगर है, वो वैसे इतना डरा हुआ था कि उसको रोज पकड़ पाना हमारे लिए मुश्किल होता, तो इसीलिए ट्रीट ऑन स्ट्रीट की बजाय हमने उसको रेस्क्यू करना ही उचित समझा। दर्द में है बहुत ये, तभी बस टाइगर मुंह से भी निकल रहा है। हाँ मुंह से भी नाक से। कब से हुआ इसको ये? साल भर से। बहुत कम था पहले ना, हमने दवाइयाँ वगैरह दी कि ठीक हो जाएगा, पर अब ज्यादा हो गया। ना बच्चा काम के लिए यार विनू उड़ेगा डब्बा उड़ेगा क्या? अच्छा आपका डॉग है? हम सबका ही है, मतलब यहाँ ही रहता है चार पाँच घरों में। हमारे पास 7-8 साल हो गए इसको रहते हुए। इसके बाद अचानक इसकी नाक से बोले तो सीम निकलता रहा, फिर इसको एंटीबायोटिक दी। खाना नहीं खाता है ना, पत्ती बिल्कुल नहीं खा रहा है।
तो अभी होश कर रहे हैं, सेडेट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे के चेक नहीं करने देगा मुंह के अंदर या नाक में, तो वो थोड़ा सा होश करना पड़ेगा। तो उसमें रिस्क हमेशा ही रहता है, डॉग में हार्ट अटैक ड्रॉप हो जाता है, डॉग में वो शॉक में चले जाते हैं, नहीं उठ पाते हैं। आपको इसके बारे में बताना तो ज़रूरी था कि हाँ होता है, क्योंकि देना तो पड़ेगा ही, ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा। ओ, ये ट्यूमर ही है, ट्यूमर जिस चीज़ का मेरे को डाउट था, इसीलिए इसको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत है ना, क्योंकि नोज नॉस्ट्रल वाले एरिया में इन्वॉल्व है ना, दांत पूरे चले गए हैं इसके आगे, दांत है ही नहीं। इसको बड़ी तकलीफ है ना, फिर भी बेचारा जी रहा है ना, बड़ी तकलीफ है। अभी ना डॉग को तो पहले तो हम इसको पालनपुर में दिखवाएंगे कि मतलब ट्यूमर के आइडेंटिफिकेशन का डायग्नोस तो होना चाहिए कि कैसे ट्यूमर है, ये रिकरेक्टेबल है कि नहीं, कीमोथेरेपी से कि नहीं, और उसके बाद ही जैसे डिसीजन इसके लिए आएगा जो इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करे, उसको पेन से भी बचाए ना, हम वैसे ही डिसीजन लें। इसका ट्यूमर एक तो मुँह में था और दूसरा पिछले एक साल में वो इतना फैल चुका था कि हम इसके लिए कुछ खास कर नहीं सकते थे सिवाय इसके कि इसकी सफरिंग ख़त्म कर दें।